ऐसा बाबा साहब ने क्या कर दिया कि आज बाबा साहब का नाम आज पूरे विश्व के अंदर स्तुति बाज रही है, जिसकी वजह से पूरे संसार के अंदर बाबा साहब का नाम लिया जाता है। पहले तो बाबा साहब वर्ल्ड के सबसे बड़े विद्वान रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने देखा इस देश के अंदर जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अंदर ये शूद्र वर्ण के लोग हिंदू धर्म के हिसाब से ढोल पशु शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जला के इस देश के अंदर संविधान लागू किया, भारतीय संविधान, जिसकी वजह से इस देश की आदमी के बराबर खड़ा होने का मौका मिला। इंदिरा गांधी जी ने जब पहले बार प्रधानमंत्री बनी उनके भाषण में बोला कि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के माध्यम से मैं आज महिला होके ब्राह्मण की विधवा बेटी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, ये बाबा साहब अंबेडकर की ही देन थी। आज एक विश्व सुंदरी जो बनी है जिला झज्जर से बामडोली गांव की उस बेटी ने से पूछा पत्रकारों ने कि इसका श्रेय किसको जाता है। जी, आज ये समाज किसी काम में पीछे नहीं है, क्योंकि देश की सरकार इसी बहुजन समाज नहीं बढ़ाने का काम किया। आज ये समय आ चुका है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी लगभग दोनों एक है। कांग्रेस ने इस देश का जो बहुत बड़ा बहुजन समाज है उसका संविधान के माध्यम से जो सुविधा होनी थी, मिलनी थी, वे नहीं दी, उनको लटका दिया। और आज भारतीय जनता पार्टी उनको सुख सुविधाओं को ख़त्म कर रही है। भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को बदलना चाहती है, देश के संविधान को ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र घोषित करके, देश के अंदर हिंदू राष्ट्र मतलब घोषित करके मनुस्मृति दोबारा लागू करना चाहती है, जिसकी वजह से देश का 85% आज समाज है वो बिल्कुल खतरे के मोड़ पर खड़ा होगा। ये दुर्भाग्य होगा इस देश का कि भारतीय जनता पार्टी यदि 2019 में सरकार बना पाती है, इस देश का 85% समाज खत्म हो जाएगा। जी, आपके हाथ में हर समय संविधान रहता है, कानून रहती है, और आज जिस तरीके से भारत के अंदर ये इस तरीके का काम रहेंगी, ये सारी चीज़ ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर जाएगी हरियाणा की सरकार, और इसमें इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति इस बार हरियाणा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का सीएम बनने से नहीं रोक सकती, क्योंकि आज देश की जनता उठ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से खतरा हो चुका है, आज हर बंदा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र घोषित करके मनुस्मृति लागू करके, जबकि बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाने का काम किया था, क्योंकि इंसान को इंसान के बराबर खड़ा होने का कोई हक ही नहीं था मनुस्मृति के माध्यम से, महिला को बराबरी का हक ही नहीं था। तो हर गरीब को मौका दिया जाएगा, महिलाओं को मौका दिया जाएगा, इस देश के अंदर नए सिरे से एक जागृति आएगी, नए सिरे से एक राज आएगा, जो हर जाति के लोगों को, बड़ी जाति के लोगों को, गरीब के भी, उनको सर्वे करके उनको संविधान की मेन धारा में डाला जाएगा। आवाम क्या अपील करना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से कैसे जुड़ें? बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा पहले जानें, जुड़ने से पहले पहले विचारधारा जोड़े सुने, और विचारधारा सुनने के बाद में वो बिल्कुल ही 100% जुड़ जाएंगे। धन्यवाद सर।